हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। मेरा नाम चेतना है और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि एमए के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास अभी MPA 01 है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। तो आज हम अधिकार के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अधिकार क्या होता है, अधिकार का अर्थ परिभाषा, और उसको अधिकार से हम कंपैरिजन भी करेंगे कि दावे और शक्तियाँ क्या हैं और अधिकार में क्या अंतर है। अधिकार विशेष अधिकार हम पढ़ेंगे, यानी कि अधिकार और विशेष अधिकार में क्या अंतर है, उसकी परिकल्पना है। उसके बाद हम आधुनिक जो अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब इग्नू का जो चैप्टर है अधिकार, उसके सभी इंपॉर्टेंट्स टॉपिक हैं। अगर आपका ये चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं टॉपिक्स में से बनेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो इग्नू के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास MPA 01 है। और इस वीडियो में मैंने ये चैप्टर आपको शॉर्ट्स में, आपको पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है, यानी कि एक पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है मैंने उसमें, पर आपको चैप्टर समझ में आ जाए, उसके पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर पाएँ और उसमें एक अच्छा मार्क्स आप ले पाएँ, इतना मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप पर DM करके वो भी हमसे ले सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉल या DM करके इस कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए हम अधिकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकार होता क्या है, अधिकार मतलब अधिकार क्यों ज़रूरी है। अधिकार आप सबको पता है हमारे कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं। एक मनुष्य हैं हम, तो हम अगर समाज में रह रहे हैं तो बिना राइट्स के हम नहीं रह सकते। मतलब अगर हमें मतलब हमारे राज्य ने, हमारी सरकार ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है, जब भी तो हमारा विकास हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास ये अधिकार नहीं होता, जैसे कि पहले कुछ लोगों को, महिलाओं को और कुछ भी जैसे जो नीच जात के लोग थे उनको ये सब अधिकार नहीं थे, तो क्या वो अपना डेवलप्ड हो पाए थे कभी ना, कुछ मतलब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बेटर नहीं कर पाए थे वो। तो अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये उसका मतलब ये जन्म से ही प्राप्त हो जाता है एक व्यक्ति को, और कुछ उसके राज्य द्वारा उसको दिया जाता है। तो इसमें अधिकार की क्या डेफिनेशन है हम थोड़ा जान लेते हैं। अधिकार व्यक्तियों के अधिकार वे अधिकार हैं जो कि व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। ये हमारे सामाजिक स्वभाव की ही उपज है और इसी प्रकार समाज संबंध हमारी सदस्यता का परिणाम है, यानी कि ये हमारे सामाजिक स्वभाव की ही उपज है और ये हमारे सामाजिक संबंध की सदस्यता भी अधिकार के रूप में दिखाई देती है समाज में। यानी कि हमारे समाज में क्या संबंध हैं और हमारी क्या सदस्यता है, क्या जगह है हमारे समाज में, ये अधिकार के द्वारा ही हमारी पता चलती है। तो अधिकार क्यों ज़रूरी है, ये मानव के विकास के लिए ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास अधिकार नहीं होंगे तो हम अपने विकास नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, हम स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, हमारे पास शिक्षा का अधिकार है, हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा विकास हो पा रहा है। और सभी लोगों को प्राप्त होता है ये अधिकार जो होता है, वो सभी लोगों को प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। सभी लोगों को प्राप्त होते हैं अधिकार, और यहाँ पे लिखा है राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है, यानी कि अधिकार जो हैं उसे राजनीतिक मान्यता प्राप्त हैं तभी वो लागू होते हैं हम पर। यानी कि अगर राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता है इन अधिकार को तभी हम इसका पालन करते हैं। अगर ऐसे ही कोई हमें कुछ करने को बोले तो हम नहीं करेंगे, पर उसको अगर राजनीतिक मान्यता प्राप्त होगी किसी चीज़ को तभी हम उसे करते हैं, और हमें करना भी पड़ता है क्योंकि हम समाज के एक नागरिक हैं। समाज में न्याय के लिए ज़रूरी है, समाज में न्याय के लिए अधिकार बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि अगर जैसे कुछ भी अधिकार है, मैंने आपको शिक्षा का अधिकार ही बताया, अगर सबके पास शिक्षा होगी, ये अधिकार है मतलब जो सब में समान रूप से दिया जा रहा है, तो ये एक न्याय भी स्थापित कर रहा है। क्योंकि अगर मतलब न्याय नहीं है तो कैसे सब में शिक्षा बढ़ पाएगी, इसलिए तो ये समाज में न्याय भी स्थापित करता है क्योंकि ये सबका ही अधिकार होता है। तो अधिकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं अधिकार के, यानी कि विशेषताएं, वो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिकार, दावा और शक्तियों में कंपैरिजन करेंगे हम, और इनमें क्या अंतर है। कुछ लोग मतलब समझते हैं कि अधिकार, दावा और शक्तियाँ एक ही चीज़ हैं,
तो अधिकार जो होता है उसमें मान्यता प्राप्त होती है, या जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं और मतलब इसको राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है, इसीलिए सब इसका पालन करते हैं। पर जो दावा होता है उसे मान्यता प्राप्त नहीं होती है। और ये दावा तो मतलब हम कुछ भी बोल देते हैं बट उसका कुछ वैल्यू नहीं रखता है। अगर अधिकार हैं वो एक वैल्यू रखता है, अगर हम उसे नहीं मानेंगे तो सरकार हमें दंड दे सकती है। अगर हम समाज में रहने अधिकार हमें मानने पड़ते हैं, पर दावे जो होते हैं वो हम अगर नहीं भी माने तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दावे का कोई मतलब वैल्यू नहीं होती है समाज में। शक्तियाँ क्या होती हैं? शक्तियाँ अलग हैं और अधिकार अलग है। शक्तियों का मतलब होता है जिसे बल प्राप्त हो, यानी कि शक्तियाँ तो वो होती है, अगर हमारे पास अधिकार है तो हम उसको हमें वहाँ पे बल लगाने की या किसी को शोषित करने की ज़रूरत नहीं है, अधिकार उसका है तो उसको मानना पड़ता है। पर शक्तियाँ क्या होती है, एक व्यक्ति के पास कुछ भी बल है यानी कि वो अपनी शक्तियों का यूज़ करके किसी को मार के उसका विरोध करके उसे दबा सकता है, तो ये होती है शक्तियाँ। अधिकार और शक्तियों में हम थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि सामाजिक प्राणी के पास प्राप्त होता है और ये व्यक्ति के अनुसार हम शक्ति रखते हैं, यानी कि जो अधिकार है वो अगर हम एक सामाजिक प्राणी हैं यानी कि सामाजिक नागरिक हैं समाज के तो हमें अधिकार प्राप्त है। पर शक्तियाँ जो होती है वो हर व्यक्ति के पास होती है, यानी कि हमें किसी को मारने की शक्ति, हमारे पास अंदरूनी शक्ति है जिससे हम किसी को दबा सकते हैं, पर अधिकार जो है एक सामाजिक नागरिक ही उसको फॉलो कर सकता है। और जो अधिकार हैं ये मर्जी के अनुसार नहीं होते हैं, ये इस पर बड़ा ही सोच विमर्श करके और नियम बना के कानून बना के ये हम पे लागू किए जाते हैं। पर जो शक्तियाँ हैं ये मर्जी अनुसार कार्य करती हैं, यानी हमें कुछ भी करना है हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और किसी को मार देते हैं, तो इस तरह से शक्तियों का यूज़ हम करते हैं। अधिकार जो है समाज में अस्तित्व रखते हैं, वो शक्तियाँ अस्तित्व नहीं रखती हैं। समाज में अस्तित्व रखते हैं यानी कि अधिकार का समाज में वैल्यू है। अगर हम अधिकार का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें दंडित कर दिया जाता है या फिर हमें जेल में बंद कर दिया जाता है। पर शक्तियों का अगर हम यूज़ करते हैं और गलत यूज़ करते हैं, शक्तियों का यूज़ करना कोई वैल्यू नहीं रखता है, फिर भी अगर हम यूज़ करते हैं उसे तो हमें मतलब उसका दंड दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिकार और विशेष अधिकार। यहाँ पे ये पॉइंट मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि आप इसी का उल्टा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समाज में अस्तित्व रखते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं समाज में अस्तित्व नहीं रखता है। अधिकार और विशेष अधिकार के बारे में हम पढ़ लेंगे, यानी कि अधिकार अलग होते हैं और विशेष अधिकार अलग होते हैं। अधिकार क्या होते हैं, जो समाज में सभी को प्राप्त होते हैं, और विशेष अधिकार क्या होते हैं, जो कुछ ही लोगों को प्राप्त होते हैं। कुछ ही लोगों को प्राप्त होते हैं यानी कि जो समाज में बड़े नागरिक हैं, जो बड़ी पोस्ट पे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, विशेष अधिकार उन्हीं को मिले जाते हैं। और अधिकार जो हैं वो समान व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, चाहे कोई भी नागरिक हो, कैसा भी हो, उसे समान अधिकार जो प्राप्त होता है। और ये न्यायपूर्ण दावा है, यानी कि ये समाज में न्याय स्थापित करने के लिए अधिकार दिए जाते हैं, और विशेष अधिकार किस जो जिनको दिए जाते हैं वो संरक्षण हेतु दावा है, यानी कि वो उसके संरक्षण के लिए, यानी कि अगर किसी राष्ट्रपति को कुछ मतलब उसको बॉडीगार्ड रखने की, अपनी जो भी उसकी सिक्योरिटी के लिए अलग से कुछ कार्य किए जाते हैं, हमारे लिए किए जाते हैं, हम आम जनता हैं, हमारे लिए तो बस अधिकार बनाए गए हैं कि कोई हमें मतलब कोई हमें दबा नहीं सकता, बस इतना अधिकार है, वरना पुलिस उसे अंदर कर देती है। बट विशेष अधिकार एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, यानी कि उसके अगल बगल सिक्योरिटी रहती है, इस तरह का अधिकार होता है। तो ये विशेष अधिकार है जो कि सिर्फ मतलब जो राज्य में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन्हीं को दिया जाता है। लोक समाज द्वारा प्राप्त है, यानी कि ये लोगों द्वारा ही प्राप्त होता है, और ये संवेदक लोक द्वारा प्राप्त है, यानी कि इसे संविधान द्वारा इन्हें मान्यता दी जाती है, और इनको मतलब विशेष अधिकार जो होते हैं वो सिर्फ इन जो राष्ट्रपति वगैरह हैं उन्हीं को दिए जाएंगे, और ये लोक समाज द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी कि ये लोग पूरे ही समाज में जितने भी लोग हैं उन सबको दिए जाते हैं।
तो ये था अधिकार और विशेष अधिकार में अंतर। अब हम अधिकार की कुछ परिकल्पनाएं जान लेते हैं, यानी कि किन लोगों के अनुसार अधिकार कैसा था, और या फिर जो अधिकार के अलग अलग स्टेजेस हैं या अलग अलग डिफरेंस हम प्रकार जिसे कह सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला है नैसंगिक अधिकार की परिभाषा हम जान लेते हैं, जो कि थॉमस और रूसो द्वारा दी गई है। अधिकार मनुष्य का अनिवार्य तत्व है, मनुष्य जन्म से ही अधिकार लेकर प्राप्त होता है। थॉमस क्या कहते हैं, रूसो क्या कहते हैं कि अधिकार जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक अनिवार्य चीज़ है जो कि होनी ही चाहिए। अधिकार अगर समाज में नहीं होंगे तो हम कुछ भी करेंगे। अगर हमारे पास जैसे कि शिक्षा का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है तो हम अपने अधिकारों के अनुसार ही चलते हैं, पर अगर ये अधिकार नहीं होंगे, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को हम मारेंगे या अपनी बात कहेंगे, हम कुछ भी करेंगे, अधिकार जो होता है वो व्यक्ति की शक्ति को सीमित करता है, तो अधिकार होना ज़रूरी है। मनुष्य जन्म से ही अधिकार लेकर प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मनुष्य जो है वो अगर जब उसका जन्म होता है तभी से वो अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है कि समाज का वो एक नागरिक है और जो समाज में अधिकार दिए जा रहे हैं वो उसको भी दिए जाने चाहिए। तो ये थी थॉमस की परिभाषा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है थॉमस के अनुसार क्या है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और विधि संगत अधिकार की परिभाषा, विधि संगत अधिकार क्या होता है ये जानते हैं। अधिकार का एक ऐसा दावा है जो राज्य जनता को प्राप्त करवाते हैं और राज्य अधिकार का संरक्षण। विधि संगत अधिकार क्या होता है कि उसमें कहते हैं राज्य जो है वो अपने जो भी नागरिक हैं उनको एक दावा देती है कि वो उस पर इसका प्रयोग कर सकते हैं और उनका संरक्षण भी करती है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट भी करती है कि जो नागरिक के अधिकार हैं उसको कोई ठेस ना पहुँचे। अधिकार की ऐतिहासिक परिकल्पना हम जान लेते हैं, उसमें क्या है। राज्य का जन्म एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ अधिकार परंपराओं और प्रथाओं से जन्म लेता है, यानी कि जो राज्य बना है वो एक बहुत ही लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया, यानी कि इतिहास में बहुत सी ऐसे कुछ विरोध हुए हैं, कुछ जो हमारे सैद्धांतिक थे पहले जो लड़ाइयाँ हुई थी उसके बाद, उसका इतना विरोध करने के बाद जो राज्य का अस्तित्व है वो समाज में आया है और इसी के परिणाम स्वरूप हुआ है अधिकार परंपरा और प्रथाओं से जन्म लेता है, यानी कि जो भी परंपराएं थी पहले, जो भी प्रथाएं थी उसके हिसाब से अधिकार ने जन्म लिया। अधिकार कैसे बना है, पुरानी परंपराओं से, जो पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे उन्हीं के अनुसार अधिकारों को बनाया गया है। समाज कल्याण की परिकल्पना, यानी कि राज्य ऐसे अधिकारों को मान्यता दे जो शेयर करना है और समाज कल्याण का दावा करें। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप हम कह सकते हैं कि राज्य ऐसे अधिकार को मान्यता दे जो समाज कल्याण का दावा करें, यानी कि जो समाज में लोगों का कल्याण करें। जैसे कि अगर हम वृद्धों की या फिर जो असहाय लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनके लिए कुछ अधिकार बनाए गए हैं ऐसे जिससे कि कोई उनको ठेस नहीं पहुंचा सकता या कोई उनके ऊपर कोई भी गलत नियम लागू नहीं कर सकता, ऐसे अधिकार जो है समाज कल्याण का दावा करते हैं, तो ऐसे अधिकार राज्य को देने चाहिए। ये आता है समाज कल्याण की परिकल्पना में। तो ये सब थी हमने अधिकार की परिकल्पना जान ली है, यानी अलग अलग जो हमारे थ्योरी थे, थॉमस थे, उनके हिसाब से क्या थी अधिकार की परिभाषा, और हमने विधि संगत अधिकार के बारे में जाना। इसमें इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है कि विधि संगत अधिकार की परिभाषा बताइए, अधिकार के ऐतिहासिक परिकल्पना इस पे भी पूछ सकता है। और अगर ये पूरे भी आपका क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इस तरह से इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिख सकते हैं, देन इस तरह से आप उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में ही समझाया है, बट इसके नोट्स भी अगर आप चाहें पूरी एक्सप्लेनेशन जिसमें होगी वो भी आप ले सकते हैं। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है ये,
तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं आधुनिक शक्ति अधिकार, यानी कि आज के समय में, यानी कि आज के समय में हमें क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। जीवन जीने का अधिकार, जीवन को जीने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपना जीवन जी सकता है। और समानता का अधिकार, यानी कि सभी को समान रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है। और नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं अपनी मर्जी अनुसार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें दिया जाता है, जो कि पहले नहीं था, ये आधुनिक शक्तियों के अंदर आता है। और राजनीतिक सार्वभौमिक अधिकार, यानी सभी को वोट देने का अधिकार है, पहले ये ऐसा नहीं था, कुछ लोग इससे अछूते थे, पर आज के समय में महिलाएं हों, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे अमीर लोग हों, सभी को वोट देना ज़रूरी होता है, तो इसलिए राजनीतिक सार्वभौमिक अधिकार। और नेक्स्ट है आर्थिक अधिकार, यानी कि पैसों से, आर्थिक का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, सभी को कर लेने का अधिकार है, वो बैंक से कर्ज ले सकते हैं। तो ये सब हमारा जो मुद्रा है और जो भी योजनाएं बनाई जा रही है उनका लाभ उठा सकते हैं, तो ये सब हमारे आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इन सब अधिकार की एक्सप्लेनेशन भी आपको नोट्स में ही मिलेगी, आप चाहे तो इनको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स भी अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको सब पूरा चैप्टर अधिकार का समझ में मतलब समझा दिया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दें कि आपको चैप्टर कैसा लगा, और इसमें क्या पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए वो भी आप हमें बता सकते हैं। और इसमें आपको जो भी मतलब पॉइंट्स हैं आपको एक्सप्लेन हुए, या फिर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें बता दें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।